कैडर बैठक में पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा। कहा, कांग्रेस और सपा के बीच चुनाव के पहले ही दरार पड़ चुकी है। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर भी तंज कसा। कहा कि चुनाव जीतने के लिए अखिलेश पीडीए का नारा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने दलित ओबीसी महापुरुषों के नाम बनाए गए जिले को खत्म करने का काम किया। ये ओबीसी विरोधी है, वोट लेने के लिए वो अपने आप को पिछड़ा और शूद्र बताते हैं। आज ये किस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के द्वारा गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन डेली हर विधानसभा में किसी न किसी सेक्टर की बैठक हो रही है, जिसमें बूथ सेक्टर की समीक्षा बैठक होती है। यहाँ पर भी वो समीक्षा की गई और इसी कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अपना दल कमेरा के प्रदेश अध्यक्ष और सरदार सेना के प्रदेश अध्यक्ष और इनके साथ कई और राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश महासचिव, तमाम सैकड़ों की जिम्मेदार साथी आज बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। और बाकी ये सेक्टर बूथ का कार्यक्रम प्रतिदिन 403 विधानसभाओं पर, हर विधानसभा में डेली एक सेक्टर की बैठकें हमारे यहाँ चल रही हैं। जो 10 बूथ का सेक्टर होता है उसी कड़ी में आज यहाँ भी बैठक। अध्यक्ष जी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और समाजवादी पार्टी पीडीए बनाई है, तो क्या लगता है, जैसे सपा का जो दावा है कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या लग रहा है उनके साथ जाएगा? देखिए, ये पहली चीज तो दो हो गई, एक तो इंडिया गठबंधन में दोनों लोग हैं, उसके बाद एक पीडीआई की इंडिया, दो कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये गठबंधन बनने से पहले ही इनकी दरार पड़ गई है। दूसरी बात, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, ये नारा देने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी शायद आप रहे हो तो मैंने बताया कि ये पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए में जन्मे संत गुरु महापुरुष के नाम से माननीय भाई ने जिला बनाया था, जिस जिले को समाजवादी ने मिटा करके पीडीए में जन्मे महापुरुषों का अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जैसे मानोर कांसी राम साहब के नाम से जिला बना था, माननीय छत्री साहू जी महाराज जो पिछड़े समाज में जन्मे आरक्षण के जनक, इनके नाम से बगल आपके सुल्तानपुर से ही अलग करके बैंज ने जिला बनाने का काम किया था। उस जिले का नाम जो छत्री साहू जी महाराज नगर था, वो पिछड़े समाज के थे, जो पीडीए बता रहे हैं ना, पिछड़े समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष थे, उनका भी अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तमाम ऐसी योजनाएं बहन जी चला रही थी जो पीडीए मतलब पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, गरीब सवर्ण समाज के लिए तमाम योजनाएं बहन जी चला रही थी, जिसको माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में समाप्त होने का काम किया था। ये नारा देने से कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी का एक मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, जिसमें